11 जनवरी 1969 का प्रातः क्लास चल रहा था। शनिवार को छठे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। अभी तुम बच्चों को बाप ही पहले आकर के पढ़ाते हैं, ये बात पता है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो वो तो हम ही थे बरोबर, 84 जन्म भी बरोबर कोई तो मानेंगे ना। तो आगे चल करके बहुत मानेंगे भी, समझेंगे भी तो बरोबर पहले पहले आने वाले देवी देवता धर्म वाले ही होंगे, वो ही 84 जन्म लेंगे। बाकी तो कमती जन्म लेंगे ना। सभी 84 जन्म कैसे लेंगे? तो आगे चल करके तुम समझदार और बेसमझ को समझदार बनाते जाएंगे। तो एक दो को सुनाते जाएंगे तो बहुतों को सुनाएंगे, कितनों को कुछ तो ज्ञान चाहिए ना बच्चे। तो इसलिए देखो, ये म्यूजियम ये बेहद की बिहंग मार्ग की सर्विस है। अभी नाम भी तो रखा हुआ है ना, ये कहां से आया है? वो चीटी मार्ग की सर्विस है और व्यंग मार्ग की सर्विस है, वो तो अभी नाम है ना। बाकी यहां सुना है भाई चीटी मार्ग और व्यंग मार्ग माना जल्दी कुछ पढ़ लेना, यानी धीरे धीरे पढ़ना। ये चीटी मार्ग, जो चीटी मार्ग वाले होंगे वो समझा ही नहीं सकेंगे, समझा सकते ही नहीं है। 11 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां पेज पीछे है चीटी मार्ग। व्यंग मार्ग ये है 2 अक्षर, फिर बीच में भी तो है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर हम क्या करेंगे? व्यंग मार्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि उनमें पुरुषार्थ होता ही है। तो जानते हैं एक दो को, समझा ना। जैसे देखो, अभी ये भी आया है सरदार जी, और भी सरदार आते जाते रहते हैं। ऐसे तो नहीं है कि नहीं आते हैं, परंतु नहीं, कोई को ये बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई, तो उनको तो पढ़ाई बगैर सुख ही नहीं है। स्टूडेंट को पढ़ाई बगैर कभी सुख होगा? ये उनकी बात है जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि वो बाप कहते हैं कि आज मैं तुझे गुई गुई बातें सुनाता हूं। फिर रोज रोज नहीं सुनाता हूं, आज ऐसी ऐसी बातें सुनाता हूं तो जिससे तुम्हारा जो ज्ञान है ये है ना, वो कान तुम्हारे कूट जाएंगे, निश्चय हो जाएगा तो 10 दफा आएगा, और निश्चय नहीं होगा तो एक दिन आएंगे तो कहेंगे निश्चय।
तो जरूर एक दिन उस दिन जरूर कोई अच्छी बात सुनाएगी, सुनाएगा जो समझ है। हाँ अभी हमने समझा, अभी हमने सब पॉइंट को ठीक से समझा। कहेगा आगे ये बात नहीं समझे थे, वो बात नहीं समझे थे। लिखते हैं ना चिट्ठियों में भी, रोज सुनते भी हो, फलानी बात नहीं समझी, तो बोलते अच्छा आगे चलो पढ़ते रहो, फिर भी मुरली में कोई बात आएगी तो वो भी तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। तो ऐसे मुरली तो वो ही है, पढ़ाई वो ही है, पीछे संशय दूर हो जाते हैं। ये हरेक जो कुछ कहते थे और उनसे फिर फायदा हुआ मुरली से, तो सुनाते हैं कि बरोबर मैं फलाने समय की मुरली सुनी जिसमें ये पॉइंट थी, वो पॉइंट सुन करके मेरे को निश्चय हो गया। तो होता भी ऐसे ही है, जैसे ये कल्प कल्प होना है। इतने सभी बच्चे हैं देखो, सब यही कहेंगे कल्प के मुआफिक पहले मुआफिक है, मेरे को अभी ज्ञान की ये निश्चय बुद्धि ठहर गई। इतना दिन 6 महीना 12 महीना छोड़ देते थे, नहीं आते थे, अभी आज आया हूं इस वक्त में, तो ऐसी ही पॉइंट सुनी है जो मेरे दिल में बैठ गई बरोबर। कौन सी वो पॉइंट बैठ जाती है बरोबर? ये भगवान के बगैर कभी भी कोई इतना ये जो नॉलेज है अपना परिचय और रचना के आदि मध्यंत का परिचय, वो कभी भी कोई समझा ही नहीं सकेंगे। बल्कि भगवान बगैर तो कोई ये चित्त बनवा ही नहीं सकते हैं। ये चित्र आगे थे क्या? ये देखो चक्कर है, त्रिमूर्ति है। अच्छा आगे त्रिमूर्ति देखते थे, कभी उनमें ऊपर में शिव देखा? कभी भी कोई चित्र में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, बस ब्रह्मा की 3 मूर्तियां, शिव का नाम भी नहीं है और चित्र का वो भी नहीं है। समझा नहीं तो अभी तो यथार्थ चित्र है, वो था अयथार्थ चित्र, क्योंकि बाप को तो वो सर्वव्यापी में भेज दिया और बाकी चित्र सब मौजूद रख दिए। अभी ज्ञान तो बहुत लेते हो, ये ज्ञान लिया है ना बच्चे, 30 बरस हुआ, बाकी आज क्या आएगा? ये जैसे बाप को है ना बीज और झाड़ का सारा चक्कर, 84 जन्म का भी चक्कर, ये याद रहेगा तुमको। बाकी डिटेल जो इतनी सुनी है वो किसी को कोई सुनाए नहीं सकेंगे, नहीं। इतना जिन जो तुमने पढ़ा वो कोई किसको सुनाते हैं क्या? ऐसा कभी होता है पढ़ाई? जो पढ़ाई शुरू करते हैं अलफ बे से, ए बी सी डी से, और जा करके आई सी एस तक पढ़ाते हैं,
तो क्या ए बी डी से लेकर के आईसीएस तक पढ़ाते रहते हैं ना? क्या पढ़ाते हैं? नहीं, जो हाईएस्ट जहां तक गए बस वहां तक फिर वो पढ़नी शुरू कर देते हैं। जिसे पढ़ाई में तो सुनाएंगे कैसे? तो देखो, अलफ बे वाला टीचर अलफ बे वाला का एक क्लास कराएगा, सुनाएगा, ए बी सी डी में सिखाते हैं, सिलेक्शन सिखलाएंगे। वो उसे के ऊपर में क्लास को ही थोड़े ही समझाएंगे गहराई से, जानते ही नहीं है, तो फिर सुनाएंगे क्या? तो जितना जो पढ़ते हैं वो इतना ही सुनाते हैं, और यहां भी जितना जिसको याद है वो सुनाते हैं। अब जो याद ही नहीं है वो कैसे पढ़ाएंगे? तो इसलिए ये नंबर वार महारथी घोड़े सवार प्यादे, माना घोड़े सवार के पास धारणा वही है जितनी वो पढ़ा सकते हैं। अच्छा, चलो मीठे बच्चों, सो भी देखते हो बरोबर? अरे कोई तो पढ़ा ही नहीं सकते, सारा समय आते हैं फिर पढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर यहां नहीं आते हैं तो वाला सेंटर से में भी जाते तो है ना, कहां तो जाते हैं ना, फिर भी कुछ भी नहीं सीखते हैं। और ये कुछ उल्टा सुल्टा सीख पढ़ते रहते हैं, जितनी बुद्धि उतना। जो और ही उल्टा सुल्टा सुनाते हैं किसी को लगता ही नहीं है एकदम, और चलन भी ऐसे ही चलन। बच्ची पढ़ाई से सुधरती है ना बच्चों? कंडक्ट भी लिखते हैं ना रजिस्टर में, और रजिस्टर भी तो लिखते हैं ना, तो जैसे वो भी करेक्टर लिखते हैं तैसे यहां भी करेक्टर है। करेक्टर के ऊपर कितना ध्यान देना पड़ता है। 11 जनवरी 1969 की प्रातःकाश का 8वां पेज। अच्छा ले आओ, टोली ले आओ, अथवा ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी में भी फर्क है। इतना बच्चा इतना परिवार है, और अभी हमारा वो कोई भी परिवार नहीं है, अभी तो हमारा एक ही है, वो ही सब कुछ है। क्योंकि परिवार का नाम ही उनको दे देते हैं ना, है जिनको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता बंधु च सखा, फादर है सो टीचर है सो सदगुरु। देखो ऑक्यूपेशन सबका बताते हैं ना, अब ऐसा तो कोई का ऑक्यूपेशन होता ही नहीं है, तो सब अपना ऑक्यूपेशन बताना चाहिए, तो सबका मालूम पड़ जाएगा। ब्राह्मणी को भी जो उनके साथ आती है, कहाँ की रहने वाली है, माँ बाप क्या करते हैं, तो सबको सबका मालूम पड़ता जावे कि कैसे आया यहां। क्योंकि उन्हें समझाएंगे ना कि हम आते नहीं,
आते थे, ये हमको मना करते थे। हमने बहुत मार खाई है, तुम लोग भी तो मार तो खाई है ना सबने। अनुभव इसको कहा जाता है, जब ये आवे तभी अनुभव सुनावे। क्योंकि जब ये जो आते हैं तभी अनेक बच्चे भी भिन्न भिन्न आते हैं, तो अनुभव सुनाना जरूर होता है। तो सबको अच्छी तरह से मालूम पड़ जा रहे, हाँ उसको अनुभव कहा जाता है। तो तुम जो सुनती हो वो तो कोई भी नहीं सुनावे ऐसे, तो फिर उनको बताओ, सब समझाओ उनको, पूरा अनुभव बताओ। वो सब क्या व्यापार करते हो, तुम तो जानते हो अनेक प्रकार के व्यापार हैं, और यहां तो ये एक ही प्रकार का व्यापार है। वो ऐसे भी कहेंगे, हम करते तो हैं वो व्यापार, परंतु वो अनासक्त हो व्यापार करते हैं, और ये तो आसक्ति से व्यापार करते हैं। क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग में दो प्रकार के व्यापार हो गए। एक व्यापार हुआ बाप से, बेहद के बाप से, बाप बाकी दूसरा व्यापार ये जनरल दुनिया से। तो वो बेहद का बाप कहते हैं कि नहीं, ये व्यापार जो करेगा वो ही सच्चा धन ले जाएगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से खुली दिल से बड़ी दिल से अनुभव सुनावे, बाकी टाइम लगे तो कोई हर्जा थोड़े ही है। ये तो घर में बैठे बा नहीं सुना सकते हैं, घर जाना है, बाल बच्चे रोते होंगे, पति गुस्सा करेगा, खाना बनाना होगा, यहां कोई फुरना है बच्चों को ऐसी, यहां तुमको कोई भी धंधे धोरे की बात नहीं। तो यहां में और वहां में फर्क तो रहता है ना बच्ची, वहां की बुद्धि भागती है, यहां बुद्धि नहीं भागेगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकीले रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सिकील रे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिख और प्रेम से नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। ठे मीठे सिकील रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते, ओम शांति।